जर्मन के एनआरआई नामखा दोर्जे ने पंजाब के दो युवकों पर धोखाधड़ी से उसके फार्म हाउस पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। एनआरआई ने रोते हुए नम आंखों से बताया, केंद्र सरकार द्वारा एनआरआई को भारत में निवेश करने के लिए आग्रह किया जाता है, जिसके चलते उन्होंने भी हिमाचल में निवेश करने का मूड बनाया था, जिसके चलते उन्होंने करीबन 5 करोड़ रुपए खर्च कर सोलन के बॉर्डर पर मशरूम प्लांट लगाया, जिसे उन्होंने 2 वर्ष बाद पंजाब के युवकों को लीज पर दे दिया, लेकिन इन युवाओं ने उसे किराया देना बंद कर दिया है और उनके विरुद्ध आवाज उठाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जिसके चलते वे बेहद आहत हैं। पुलिस में वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस मौके पर एनआरआई नामखा दोर्जे ने बताया कि उसने अपने जीवन की सभी जमा पूंजी इस मशरूम फार्म पर लगा दी थी, लेकिन उसके फार्म हाउस पर पंजाब के दो युवकों ने कब्जा कर लिया है और उन्हें अपने फार्म हाउस पर घुसने तक नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वे सड़क पर आ गए हैं और यहाँ तक कि बच्चों की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि वे उनके साथ हुई धोखाधड़ी में उनका साथ दें, अन्यथा वे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे सभी एनआरआई से निवेदन करते हैं कि अगर वे भारत में निवेश करना चाहते हैं तो पहले 100 बार सोचें, फिर निवेश करें, क्योंकि सरकार द्वारा निवेशकों को जो वायदे निवेश के समय किए जाते हैं वे पूरे नहीं किए जाते। मिनिस्टर, इधर सारा 2 साल तक मैं भटकते रहा हूँ, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है और मेरा हालात तो ऐसा हो गया कि अभी बच्चों को पॉकेट मनी देने तक मेरा पैसा नहीं रहा है और मेरा फार्म वो कब्जा करके बैठा हुआ है, ऊपर से हमें धमकी दे रहा है जान से मरने का। अब मैं वहाँ भी जा भी नहीं सकता हूँ और मेरा हाल तो बहुत ख़राब हो गया। भारत सरकार ने हमको उस समय तो ऐसा कहा कि आप इन्वेस्ट करो, आपको पूरा सुविधा मिल जाएगा भारत सरकार की तरफ से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा हालात तो ऐसा हो गया इस अभी कि मैं सुसाइड करने के लिए सोच रहा हूँ और बाकी कुछ बचा ही नहीं है। सब NRI को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो उससे पहले आप 100 बार सोचो, ताकि आपको मेरे तरह प्रॉब्लम ना हो।